दे दिया है इन्होंने, पता है लाइनर शीख बटिया सब बटिया बुटी आप भगवान सुबह ले जान। अच्छा तो बुढ़ी रही ना मान नाम ने पे आशीर्वाद भगवान ने तो पे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और नमस्कार। मैं नीतू मदन मोहन तिरवा आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आप जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पूजा की 3-4 वीडियो आ गई थी मेरी, वो आज भी पूजा ही है हमारे काशीपुर मंदिर में शैलदेव कौतिक होता है, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। इसकी महानता दीदी ने आप लोगों को बता दी है तो जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इधर जाने गिरी। तो दोस्तों मैं दीदी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो मेरे मन में बहुत सालों से उमड़ रहा है, तो आज पूछती हूँ दीदी लोगों से क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, हम तो बाद में आए, दीदी लोग तो यहीं हुए, तो आप लोग इन दीदी लोगों से पूछते हैं कि दीदी शैलदेव कौतिक क्यों मनाया जाता है। जो देवी स्वरूप है उनके उसमें मनाया जाता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ के जो राजा कपकोटी थे उनकी लड़की थी जिसको एक सती कर दिया था। अच्छा, तो आज के दिन ही उसकी उसको सती कर दिया था, तो राजा जहराई के साथ वो जो छोटी उसके बचपन में जब वो थी तब उसको कहा गया था कि तुमको ये सती कर दिया जाए, तुम इसके साथ शादी कर दिया। जब वो जवान हुई थी उस समय तक वो बूढ़ा हो चुका था, अब तो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो आज के दिन उसको ये सती करके जो कपड़े जो हम ये घड़े चढ़ाते हैं उनकी याद में चढ़ाते हैं। आज के दिन ये तिरुवांग की लड़कियाँ कपूरती की लड़कियाँ यहाँ जो कपूर की जो लड़कियाँ हैं वो ये जरूर आज के दिन मंदिर आती हैं, और जो नहीं भी आ पाए तो अपने भेड़ तब भी ये यहाँ भेजती हैं। हाँ, उसका तो बाई कृष्ण जो देवी स्वरूप बन गई है उनकी याद में आज का दिन ये आज ये मेला मनाया जाता है। अच्छा, सारी चली बेटियाँ आती है ना यहाँ की कपकोट की, सारी चली बेटियाँ। हाँ, तो थैंक यू सो मच दी, आपने हमको ये ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम नहा धो के रेडी हो गए थे, बच्चों को नहलाया, सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना ही हुआ, तो अब हम रेडी होके जा रहे हैं ऊपर को। तो दीदी लोग चले गए धीरे धीरे आगे को, मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे। पहले कालिका मंदिर में हमने दीदियावती करी, वो तो सुबह कर ली थी गुनगुन ने, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर को। दीदी लोगों ने जो भी आप लोगों को दीप बता रखा है आई होप उसको आप ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आ जाएगा क्यों क्यों शैलदेव कौतिक मनाया जाता है। इसलिए तो बाई कुसुम के गीत लगेंगे शाम को, आज तो मेरे को मायके भी जाना है, तो क्या होता है कैसा होता है वो दिखा पाती हूँ नहीं दिखा पाती हूँ फिर बात की बात है। तो चलिए फिर फिलहाल जाते हैं अभी काशी बुबू के मंदिर। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज मैं रेडी हुई हूँ और मैंने पहन रखी है आज साड़ी जो काफ़ी समय के बाद मेरे पास थी फ्रिल वाली, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे निकलते हैं ऊपर को क्योंकि चढ़ाई भी बहुत चढ़नी है। लोग बाग तो सुबह चले गए थे, हमें तो अभी टाइम हुआ, बच्चों के साथ ऐसे होता है। तो चलिए फिर ले चलती हूँ आप लोगों को काशीपुर के मंदिर पे। हेलो करो फिर। तो गाइस दीदी लोग आ गए हैं, सब लोग मंदिर से, हम अभी जा रहे हैं। ये लोग आ गए कब आए? सुबह आ गए थे, बताए नहीं रहे। हेलो हेलो बोलो, कहाँ बोलो, कहाँ बोलो, यही पे लगी है। सब लोगों ने हमने साथ में करी, तो चले फिर थोड़ा यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये
है भाई पूरा मंदिर का नज़ारा। ये है मेन मंदिर, यहाँ काशिल भूभू का मेन मंदिर है ये। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर में कौन कौन है, क्या क्या है। और ये है पूरा प्रसाद भंडार यहाँ पे है, और यहाँ पे अंदर पे है मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग। और हमने परिक्रमा भी कर ली है पूरी मंदिर की। और ये है देखे यहाँ पे ना, इस चबूतरे में बैठ के शाम को देवता अतरते हैं यहाँ पे। तो ये है वो चबूतरा जहाँ पे देवता अतरता है शाम को। और यहाँ से मैं भाईकुसुम का मंदिर, ये है जहाँ से हमारे सारे स्टॉल मतलब जितने हैं चुनरी वगैरह यहाँ चढ़ते हैं। ये वाला मंदिर है भाई भाईकुसुम का। तो यहाँ पे सुंदर मूर्ति लगी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है वो मूर्ति, जो जो चेली बेटी नहीं आ रखे हो ना, सबको ये दर्शन करा दिए हैं मैंने, तो आप लोग कर लेना दर्शन। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं एक मंदिर, ये भी है। और यहाँ पे ना ब्लैक कपड़ा बांधा जाता है। और ये मंदिर किस चीज़ का है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो ये देखिए, इस साइड से ब्लैक चुनरी है और उस साइड से रेड चुनरी है, मतलब चुनरी यहाँ मतलब चढ़नी ही चढ़नी है। भाईकुसुम का जो होता है ना श्रृंगार वगैरह वो भी चढ़ता है, और जो भी मतलब जैसा भी होता है सब कुछ चढ़ता है यहाँ। सब लोग धाड़ माड़ लेके आते हैं, मतलब एक चुनरी होनी चाहिए, भले ही वो लाल हो, लाल मतलब रंगीन चुनरियाँ यहाँ पर चढ़ती हैं हर जगह हर मंदिर पे। तो ये है भाई पूरा मंदिर का नज़ारा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऊपर से इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये देखो लक्कू हमारा गुस्सा हो गया है, इसको अभी चिज्जी चाहिए होती है। अभी जाएंगे उधर को, फिर दिखाते हैं, फिर खाते हैं। हाँ हाँ, तो नीचे को है ऐसे बांज के पेड़ हैं नीचे को, और यहाँ से कुछ इस तरीके से है। उधर को जाके आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मैं, फिलहाल तो यहीं दिखा रही हूँ। परिक्रमा तो मैंने कर ली थी, अभी फिर से आप लोगों को दिखाने के लिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ फिर से। और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से है पूरे मंदिर में ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये है यहाँ की धूनी, और ये है यहाँ का एक मंदिर, और जहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं पूजा पाठ वगैरह करने वाले, यहाँ पे पाठ भी कर रहे हैं, और आधे पाठ करने वाले वहाँ भी पाठ कर रहे हैं देखिए। और ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ से, देखिए यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इतना खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति है ये, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। कैसा लग रहा है दीक्षा? अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इनकी हालत ऐसी हो गई है, भूखे हैं सुबह से सब लोग। और ना दीदी लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे अभी ना फोटो शूट हो रहा है सभी लोगों का। और ये दीदी बैठे हैं यहाँ पे, ये दीदी बैठे हैं यहाँ पे, और ये देखो सुबह से आके यहाँ पे बैठ गए। बिमला और हम जाते हैं आगे को मेला घूमने के लिए, क्या है कैसा है, कैसा लगा फिर बिमला? अच्छा लगा यार, बहुत साल बाद आए, बहुत ज्यादा लेट हो गया यार हमको ना, लेट भी हो गया, सांस टिपी गई यार मेरे को। सो भाई हमको ना थोड़ा जिम जाने की जरूरत है बिमला। तो चलिए फिर भाई आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का मेला कैसा लगा है करके। तो भाई यहाँ पे मंदिर का भोग बन रहा है, पूड़ी वगैरह, और ये है आटा, और यहाँ से मंदिर का भोग बन रहा है। और हम जाते हैं आगे को, क्या है कैसा है फिर दिखाती हूँ यहाँ से। हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ गए, तो भाई यहाँ पे लगे हैं आलू के गुटके और चाउमीन वगैरह। हाँ है आलू रायता, हाँ ये है आलू रायता, खाते हैं यार थोड़ा। और यहाँ से देखे इस तरीके से, और यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो अब हम निकल गए हैं घर को, कुछ भी मतलब ज्यादा मेला नहीं लगा था इस बार यहाँ, पूजा पाठ भेंट वगैरह चढ़ाती थी। अभी इलेक्शन का भी टाइम है ना, इस वजह से ज़्यादा दुकानें नहीं लगा रखी हैं लोगों ने। तो चलिए फिर चलते हैं, भेंट वेट सब चढ़ा दिया है, चलो थक गई हालत खस्त होगी है इसकी यार, हम धूप में आए ना ऊपर तब ज़्यादा हुआ हमको ये। तो हम आ गए हैं नीचे, अब यहाँ है घर, यहाँ जाते हैं अंदर को, क्या है, पानी वानी पीते हैं फिर निकलते हैं नीचे की ओर।
अपने शहर की ओर। सब लोग यहीं बैठे हुए थे और क्या होता है कैसा होता है यहाँ से दिखाती हूँ। नीचे को कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए यहाँ से नीचे से कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी खूबसूरत लुक यहाँ से नज़र आता है। और भाई हमने यहाँ ना बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, ये भी अपना ही घर है। यहाँ से दिखाती हूँ नीचे को, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये है हमारा घर काशिलबू वाला, काशिलबू मंदिर वाला जो नीचे वाला घर है ना, तो ये यहाँ पे रहती है मम्मी। और चलिए फिर अंदर चलते हैं। अब ये देखो यहाँ के फर्स्ट क्लास चाय पी रहे हैं, स्वर्ग रहो ना, ठंडा रहो ना, बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ वही तो ये है पापा की फोटो है, कॉटेज जैसा हो रहा है ना। हाँ तो भाई ये है झूमर ऊपर को, और यहाँ से देखो मम्मी वहाँ पे है। ओ दुर्गा पग वहाँ खड़ा है, ये है दीदी, हाय हेलो। आ गए यार मेला देख के, और आप नहीं गए सुबह से? अच्छा चंदा तू इसने कुछ नहीं खाया यार ऊपर, ये नहीं खाया इसने, पता है मैंने इसको आलू खा कहा, चाउमीन खा कहा, कुछ नहीं खाया इसने। क्यों नहीं खाया बेटा? ओ भाई ये भारी हो रहा है, मार है ही नहीं गोली, उसमें छर्रे वाली है, ये छर्रे वाली। भाई जब चलते हैं नीचे को, फिलहाल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, यहाँ है किचन और ये है हमारा ऊपर वाला घर। तो चलिए फिर अब चलते हैं नीचे को, खाना वाना बनाया होगा दीदी ने, अब यहाँ इतनी भेंट घाट होगी बहुत हुआ, तो चलिए फिर ले चलती हूँ आप लोगों को घर, धीरे धीरे निकलते हैं आगे को। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ मायके में, तो आप लोगों ने देखा कपकोट से मंदिर में गई, मंदिर से घर आई और मैं पहुँच गई हूँ मायके। तो दोस्तों ऐसी है मायके का नज़ारा, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पहुँच गई हूँ मैं मायके, और यहाँ पे ना लहसुन हो रखा है, ये सारा प्याज है, ये प्याज है और यहाँ पे लहसुन हुआ है, और ये भी लहसुन है। और नीचे को कुछ इस तरीके का मौसम है यहाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का मौसम है। तो चलिए फिर आ गई हूँ यहाँ, यहाँ तो आप पूजा उजा पूजा थी ना यहाँ, अष्टमी थी, इस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड, रात को क्या दिखाऊंगी आपको पूजा पाठ की, तो ये वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों को कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी दिनचर्या एंजॉय कीजिए, मेरी दिनचर्या तो आप लोगों को पता लग ही जाती है मेरी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।